अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, के हाल है? तभी असर ठीक है, उम्मीद है तुम ठीक हो, तो खुश हो, तो इस खुशी ना लाइ दा व्लॉग करने वाला भाई मलिक सावल तो सदे पे यूट्यूब चैनल पक्कू बार वीडियो शुरू करा तो पहले मेरे तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तुम्हारे तक पहुंच सके, के नाल लाइक भी कर देता करो। ते मैं शोरूम पे पहुंच आया, ते फिलहाल चाबियां मेरे को कोई नहीं, चाबियां हैं छोटे कजन को, वो आंदा जी है रस्ते च इंशाल्लाह मैं देख कर दिखे आज एक नवा फर्नीचर आया है, अज तुम उस कंपनी ने उन्हें उसे जबरदस्त एक सेल ऑफर ला दी है एक महीने वास्ते। जुम्मे अक्सर तुम सुझे तो बैठो, जुम्मे क्यों मार्केट खोली पे तुम पुछो कंपनी ने जुम्मे तकरीबन टोटल मार्केट बंद होती है, साढ़े हमसाए नाल जितने भी मार्केट है जितने सारे दुकान पर यह है कंपनी का आउटलेट स्टोर, मुल्तान पहला एक ही ओपन किया है जिथे मास्टर कंपनी का फर्नीचर दुकान मिलती, तो यह पूरे मुल्तान एक ही है जेड़ा फर्नीचर तुसा मेरे विलॉग है जिथे जब मैं तुम्हें मजीद या कभी खैसा पै नवे नवे फर्नीचर वो तुम सिर्फ इतों साढ़े को मिलते हैं, इसके अलावा तुम पूरे मुल्तान उन्हें वजह है कि मुल्तान जितने भी डीलर हजरात बैठे वो प्राइवेट उन्होंने एजेंसियां खरीदिया हुई हैं, पर एक कंपनी का आउटलेट स्टोर है जितों के तुम्हें हर चीज़ कंपनी स्टोर रेट पर मिलती। कंपनी ने एक नवा आर्टिकल फर्नीचर का लॉन्च किया है, तो लॉन्च के रेंदे ही उन्होंने उनके ऊपर ऑफर ला दी है, असल पर ऑफर लाई है इनके मजीद तुम्हें अपडेट देने जो कल दिन बाद पहुंचना शोरूम ओपन करें, ओपन करके तो वाले इंशाल्लाह तुम्हें मजीद उस फर्नीचर के बारे में डिटेल देना, उनके क्या क्या ऑप्शन है वो भी तुम फुल डिटेल देना, तो कितना डिस्काउंट है वो भी तुम मैं दसना। जितनी देर कदम नहीं आता और सामने जूस वाला जो दोस्त है उत्थे वाजते बहने उनके को कुर्सी पई है चार पाई पई है उनके को वाजते बहने झट गप शप लें जितनी देर कदम आवे असं और इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लैके शोरूम ओपन करेने हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सही? ठीक हो? चल भाई आज गर्मी क्या आ रही है? जखड़ गुला खड़ा है, पसीना रुकता नहीं पिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या ले? एक चैन का लाख तो दे दो, गेड़ी गेड़ी है। जी? लोडर रिक्शा। अच्छा, अगला अगला जाना पिछला जाना अगला चैन। अच्छा क्या कह रहा? प्लेन देखना पड़ेगा, एक कल तो बेचा था ऊपर चढ़ के देखना, मैं देखता हूँ अच्छा ही तो होगा ठीक है। ओके ओके
अच्छे वाला देना लॉक, पहले दो तीन बार चेंज करवाया टूट गया है। लोडर अच्छे था, चैन वाला टूट गया, लॉक टूट गया, नवा लॉक लई है ना, लॉक ले के तो वालों आप आजकल जो मैंने वगैरह पर ब्रेक हुए ना, तो आप ही मानते चल ट्राई करें ने। और आज तू आराम ना बावन डे का गर्मी जो कपड़ा ही खड़ा जाने जूस पे हो जूस बना दो वाले हाँ तेरी तो बस चलती है दिहाड़ी पुदीना पावे पावन दा तकरीबन 45 डिग्री टेंपरेचर है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लोडर पर चैन पा गई है तो हूँ मैं तुम दिखा ना जो मैं तुम सुबह आके बेड सेट जो कंपनी ने नवा भेजा है तुम वो मैं चेक कराया। ये जनाब कंपनी का नवा आर्टिकल लॉन्च किया है, ये कंप्लीट सेट है, ये इनका मिरर है, ये इनका ड्रेसर है, ड्रेसर के उत्तू डू ड्राज इन काफ़ी अच्छी स्पेस है भाई, ये तुम दे तलू डू सिंगल है वड़िया दराजा, तो ये शीशा है, शीशे के डबल ऑप्शन है, इस टाइम तुम्हारे दे ड्रेसर के उत्ते खड़ा है, इन पिछे दूजा ऑप्शन भी है अगर तुम दीवार के उत्ते हैंग करना चाहते हो तो यह ऑप्शन है, इन पे देते पे लॉक लगे हुए तुम दीवार के भी आराम नाल खड़ा सकते हो। ये छोटी जी इनकी साइड टेबल है, दू दराज हैं, दूजी भी साइड टेबल है, वो पैक रखी हुई है, तो ये पैडेट है, ये लकड़ का मतलब प्लाई शीट है, इंपोर्टेड प्लाई शीट, वाटर रेजिस्टेंट है, इन उत्ते अगर पानी भी पिया रहे तो पानी अपने अंदर जब नक दे सी, तो ये वेलवेट लगी हुई है, पैडेट है, ये त्रई ऑप्शन जो डिजाइन बना हुआ है ये वेलवेट है। तो इस कंप्लीट सैट की जी असल कीमत है वो है 1,90,000 रुपया, क्योंकि ये वाल कंपनी ने हूँ लॉन्च किया, तो ये ही प्लाई शीट के इको कलर के टोटल बैड सैट 10 साल की गरंटी है, अगर कितों भी लूजिंग होती है, फिटिंग होती है, या कलर शेड कोई फर्क आ जाता है तो तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस तो तुहानू ये क्लेम नवा सैट मिल से पूरा, ये नहीं कि दोबारा ही सैट करके पूरा सैट तुहानू नवा मिल से, ये पूरा सैट जिहड़ा है 1,90,000 रुपए का इनकी असल कीमत है, तो कंपनी ने इनकी कीमत कम करके डिस्काउंट किया 9 तरीक तो लै 15 तरीक तक, अगर जेड़ा भी कस्टमर आ सी उनकी सिलेक्शन अगर ये बैड आ सी तो उन्होंने 20% डिस्काउंट मिल रहा है इस बैड के उत्ते, एक कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ने आज लैटर सानू इशू किया कि 1,90,000 का बैड है, 15 तरीक तक अगर कोई भी कस्टमर इस बैड सैट को परचेज करे सी तो उन्होंने 20% डिस्काउंट मिल रहा है। शोरूम बंद करके आ गए हैं, तो अब रस्ते जाना भी हम ही फिर गए, रोड के उत्ते ना एक्सीडेंट होया भी, अल्लाह माफ करे, ये फुटपाथ के नाल ना तुम पता है कि रात सफाई करके रखे ने मट्टी कचरा पत्थर वगैरह, तो वो ना दो लोडर रहना चाह के तो सैड से सटन रहने पे, एक लोडर रोंग सैड तो वादा आई क्योंकि कुदरत आपू लाइट ही कोई ना आई, सामने दो फैमिली आदि पे दो मोटरसाइकिलों से उन्होंने नज़र नहीं आए, वो बेचारे उन्होंने रश उस रिश्के जोर दे लगे तो उन्होंने पिछू एक भी वो लोडर रक्षा आता भी जरा मिट्टी कचरा तो पत्थर वगैरह चाहिए सफाई ज्यादा, तो लोडर रक्षा उन्होंने उतू चढ़ा गई है, अल्लाह माफ करे, दो त्रै सवानिया एक सुबाल एक दो बंदे चलाव वाले तो वो बिल्कुल रिश्के थले आ गए, अल्लाह का करम ये थी कि कैन ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस एक औरत बेहोश हो गई आई, तो एक लड़के के लत सट लगी है, तुसा क्लिप के शुरू ही डिठा से, पर एक तो जो लोडर वाले हैं वो नहीं देते दे अगर पिछा बस उन्होंने बजावना जिते दिला के ब्रेक ला दी थी, पहले तो इन्होंने ब्रेक होनी है कोई नहीं, जो उन्होंने पिछू आता पी आई उनकी ब्रेक कहना आई मोटरसाइकिल वाले अगले रक्षे छेड़ते हैं तो वो पिछला लोडर रक्षा उन्होंने उत्ते चढ़ा दिया,
पर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होया। जो लोडर वाले ना अल्लाह इन्होंने हिदायत दे अपनी हिफाजत करें तो बैन भी नुकसान भी बचाव। हूँ मैं शोरूम बंद करके तो रस्ते बाद घर पहुँचना ना रस्ते जे बकुआ थिया पिया अल्लाह माफ़ करे अल्लाह हर कहनों अपने मान के रखे। आज का ब्लॉग करें इतनी एंड मेरे सारे व्यूअर्स में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक भी कर दिया करो ताकि मेरी हर आने वाली नवी वीडियो तुम्हारे को आसानी ना पहुँच सके। इतनी चाहते हैं इजाज़त अल्लाह तुम्हारी हिफाजत दे रखे सबनों खुश रखे अल्लाह हाफिज़।